दोस्तों नमस्कार। आज फ्राइडे यानी शुक्रवार 25 नवंबर सन 2022 आज लोहा बाजार के अंदर मिला जुला रुख रहा, लेकिन रुख ज़्यादातर शहरों में तेज़ी का ही रहा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से आज के भाव। दोस्तों लोहा बाजार में 10 में से 8 बार हमारा पूर्व आकलन विश्लेषण सही साबित होता देखा जा रहा है। तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फायदा नहीं है। तेजी आने से पहले आप तेजी बोलें, मंदी आने से पहले आप मंदी बोलें तो ही वो विश्लेषण है, अन्यथा लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। अगला सप्ताह लोहा बाजार के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। क्या वो तेजी के होंगे या मंदी के, उसके लिए स्टॉकिस्ट, प्लांट होल्डर्स, मैन्युफैक्चरर्स संपर्क कर सकते हैं पेड रिपोर्ट के लिए। आज के मंडी गोविंदगढ़ के अंदर 600 रुपये की तेजी एमएस इनगट में दर्ज हुई, 43,900 के भाव। अहमदाबाद के अंदर कुछ गिरावट रही, 43,700 के भाव। भावनगर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं था, 42,000 के भाव एमएस इनगट में देखे गए। भिवारी के अंदर 500 रुपये की गिरावट थी, 42,700, और दुर्गापुर के अंदर 40,700, यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं है। गाजियाबाद के अंदर 100 रुपये की मामूली गिरावट, 43,500 के भाव। गोवा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं, 44,600 के भाव। हैदराबाद में 42,600 के भाव, लेकिन हिमाचल के अंदर अच्छी तेज़ी 600 रुपये की देखी गई, 42,900। इंदौर के अंदर 42,000 के भाव रहे और जयपुर के अंदर 42,600 के भाव रहे। जम्मू के अंदर तेज़ी दर्ज हुई, 44,100 की तेज़ी। कानपुर के अंदर 42,500 की तेज़ी। कोलकाता 41,100 के भाव थे, लुधियाना 42,600 के, लुधियाना के अंदर 43,000 के भाव, और मुजफ्फरनगर 43,800 के भाव, 200 की तेज़ी। मुंबई 43,500 और रायगढ़ 39,500 के भाव, यहाँ रायपुर 40,500 के भाव, 300 की तेज़ी। राहुलकेला में भी अच्छी तेज़ी दर्ज हुई, 600 रुपये तेज़ी के साथ में 43,900 के भाव रहे। पुराना लोहा भी पीछे नहीं रहा, वहाँ भी तेज़ी के 10 के भाव नज़र आए, 42,400, और मंडी गोविंदगढ़ के अंदर और लुधियाना के अंदर 36,100 के भाव थे। एमएस ब्लिट शाम 7 बजे मंडी गोविंदगढ़ के अंदर 44,000 के अंदर शानदार तेजी दर्ज देखी गई। दुर्गापुर 41,000, इंदौर 42,400 और जयपुर के अंदर 42,900 के भाव थे। कोलकाता 41,700 के भाव थे और लुधियाना के अंदर 43,000 के भाव थे। मुजफ्फरनगर के अंदर मामूली तेजी दर्ज हुई, 44,200। दोस्तों लोहा बाजार हमेशा से ही विशेष मूव देता है और वो एकदम से चमत्कृत कर देने वाले मूव है। याद कीजिए आज से लगभग 4 से 5 दिन पहले ज़बरदस्त तेजी और उसके बाद में फिर गिरावट भी देखी गई। क्या फिर दोबारा मूवमेंट आने वाला है या और तेज़ गिरावट होगी? तेज़ी और मंदी के अलग अलग कारण गिनाए जाते हैं कि चीन के अंदर लगातार आर्थिक मंदी, कोविड केसेस बढ़ना, ब्याज दरों के अंदर बढ़ोतरी, बाज़ार में मांग नहीं होना। लेकिन तेज़ी के भी बहुत अलग अलग कारण ज़रूर हुए कि दोस्तों ये तेज़ी और मंदी का खेल चलेगा, इसमें विश्लेषण ही अक्सर आपको बचा सकता है, अन्यथा लोहा बाजार अब धीरे धीरे रिस्की होता जा रहा है, क्योंकि बड़ी तेज़ी और मंदी एकदम से आती है। इसमें वही जीत पाएगा जो इसका अग्रिम विश्लेषण जानकारी आप करेगा, या तो विश्लेषण खुद करे या फिर विश्लेषकों विशेषज्ञों से राय ले। लेकिन उन विशेषज्ञों को भी आप चेक कीजिए जो तेज़ी आने के बाद तेज़ी कहते हैं और मंदी आने के बाद 25 मंदी के कारण गिनाते हैं। दोस्तों भाव, लोहा मंडी के भाव बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होंगे, 1 रुपया का चार्ज आपको भाव देने के, भाव प्राप्त करने के लिए नहीं होगा। आप हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, उसके ऊपर लोहा भाव लिख के आप भेजें, हम आपको निःशुल्क भाव प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन तेज़ी या मंदी या अप और डाउनवर्ड मूवमेंट का विश्लेषण, उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ सकता है, उसके लिए आप चर्चा कर सकते हैं। भाव बिल्कुल निःशुल्क है, आप बिल्कुल निःशुल्क लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।